नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज सबसे ज्यादा विवादित मॉल जो है जिसका नाम लुलू मॉल है उसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ जो आपको नहीं पता होगा या आप जानते भी होंगे लेकिन इस तरह से आपने नहीं देखा होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। From Wisdom Nows, fact number one. लुलू मॉल लखनऊ का सबसे बड़ा मॉल है जिसके मालिक NRI कारोबारी यूसुफ अली है। यूसुफ अली का नाम दुनिया के अरबपति के लिस्ट में शामिल है। यूसुफ अली की कंपनी लुलू इंटरनेशनल का जो नेट वर्थ है 4.7 बिलियन डॉलर का है। From Wisdom Nows, fact number two. इसका कारोबार यूरोप, अमेरिका और काफी सारे देशों में फैला हुआ है। इसका मेन हेडक्वार्टर जो है वो अबू धाबी में है। इसके दुनिया में लगभग 193 स्टोर है। From Wisdom Nows, fact number three. अभी यूसुफ अली लखनऊ में सुशांत लोक में एक मॉल का उद्घाटन किया है जो कि 11 एकड़ में फैला हुआ है और कंपनी इसमें 2000 करोड़ का खर्चा किया। From Wisdom Nows, fact number four. यूसुफ अली मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं। उनका जन्म 1955 में हुआ था और वो अबुधाबी में चले गए। वहां पे उनके चाचा का बिजनेस था, फैमिली बिजनेस में काम करने लगे। From Wisdom Nows, fact number five. और 1990 में यूसुफ अली ने लुलू हाइपरमार्केट की शुरुआत की थी। यूसुफ अली के काफी सारे मॉल है जो कि अबू धाबी, दुबई में है। उन्होंने 2013 में सबसे पहला मॉल खुला था त्रिशूल में, केरला में। From Wisdom Nows, fact number six. लुलू शब्द आया कहां से है? लुलू शब्द एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है मोती। मुस्लिम देशों में अधिकतर लड़कियों का नाम लुलू रखा जाता है। कई नामी हस्ती है जिनके नाम लुलू है। कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। लुलू वांग हॉलीवुड की एक जानी मानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर। लुलू जेम्स तंजानिया ब्रिटिश सिंगर है। From Wisdom Nows, fact number seven. कुछ समय से लुलू मॉल इतना फेमस क्यों हो रहा है, इतना विवाद क्यों हो रहा है, इसका मेन कारण हम लोग नहीं जान पाते हैं। लखनऊ में लुलू मॉल की ओपनिंग थी, उससे पहले आपने लुलू मॉल का नाम सुना होगा। कब सुना? न्यूज में। लुलू मॉल ने केरला में 50% का डिस्काउंट दिया था अपने मॉल आधी रात में, जिस कारण केरला के मॉल में पूरा भर गया था, लोगों से काफी सारे भर गए थे और आपने उसका वीडियो देखा होगा कितना भीड़ था। वो इसलिए दिया था डिस्काउंट, उसका कारण क्या था कि उन्हें लखनऊ में मॉल खोलना था और इंडिया में लोग लुलू मॉल के नाम से बहुत जानते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं जानते थे कि लुलू इंटरनेशनल कंपनी है जिसका मॉल का चेन है। जब वहां पे केरला में उन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया, लोगों ने भीड़ काफी सारी भीड़ हो गई और मीडिया में न्यूज में सुर्खियों में बन गया। उसके जस्ट कुछ दिनों के बाद लुलू मॉल का उद्घाटन हुआ था लखनऊ। लुलू मॉल के लखनऊ में उद्घाटन करना था, इसीलिए वहां पे उन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया और पूरे इंडिया में मीडिया में आ गया। From Wisdom Nows, fact number eight. लुलू मॉल लखनऊ में उद्घाटन हुआ उसके जस्ट बाद आपने काफी सारे विवाद सुने होंगे। ये सारे विवाद उनके मैनेजमेंट की तरफ से ही होता है कि लुलू का ख्याति हो, नाम हो, लोग जाने और उस मॉल में जाए। जितना खर्चा करेंगे एड में, एड से ज्यादा पॉपुलरिटी इन विवादों से आजकल हो रहा है। और कोई ऐड कर रहा है तो ऐड करवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, मीडिया को पैसा देना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कंपनी को पैसा देना पड़ेगा और फिर ऐड होगा, तब भी इस तरह का चर्चा होती है उस मॉल के बारे में। वो चर्चा ऐड करके लोग नहीं कर पाते हैं, ऐड करने के बावजूद भी नहीं मिल पाता। From Wisdom Nows, fact number nine. अब देखिए इनका साइकोलॉजी समझिए। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से उद्घाटन करवाया, उसके जस्ट बाद वहां पे नमाज पढ़ दिया गया और उसका वीडियो बना के मीडिया में डाल दिया। मीडिया में नमाज वाले वीडियो वायरल हुआ तो विवाद हो गया और विवाद हुआ तो सब जगह हर जगह अपने आप लुलू मॉल का नाम होने लगा और कितना फेमस हो गया। अब उस विवाद के कारण लोग देखने भी पहुंच गए कि यार कैसा मॉल है, चलो देखने चलते हैं और काफी पब्लिक वहां पे अरेस्ट करने लगे, फिर कोई हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। इस विवाद से वो मॉल काफी फेमस हो गया। From Wisdom Nows, fact number 10. और आजकल इंडिया में ट्रेंड बन गया है, किसी भी चीज को पॉपुलर बनाना है तो एक विवाद खड़ा कर दो वहां पे और उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।